बारा राजस्थान मांगरौल क्षेत्र के महुआ गांव में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर दो पक्षों में हुआ आपसी विवाद। सुमन समाज का लड़का था और मेहर समाज की लड़की। फरियादी की रिपोर्ट पहुंची सीसवाली पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। जिले में बेखौफ बदमाशों ने की पुलिस जवान पर फायरिंग। कांस्टेबल की जांघ पर लगी गोली। पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए घेराबंदी करके चार लोगों को पकड़ा। एसपी, एएसपी और सीओ समेत तीन थानों की पुलिस मौके पर। बारा जिले के सीसवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब बदमाश पुलिस को भी अपना निशाना बना रहे हैं। बारे में थोड़ी सी जानकारी आप। हाँ, ये जो घटना हुई, ये सीसवाली पुलिस स्टेशन है हमारा, अंता सर्कल का, उसका गांव महुआ है। यहाँ पर एक मेहर समाज की कोई लड़की है जिसके साथ में माली समाज के एक व्यक्ति ने विवाह किया, या जैसे भी वो लोग उसको लेकर के चले गए। उसको लेकर के इस गांव में एक बात पुलिस के पास परिवाद के रूप में आई कि मेहर समाज की तरफ से ये बात थी कि साहब इस परिवार के लोग, माली समाज के लोग जो हैं हमारे साथ जोरा जोरी कर रहे हैं, मैं निकलने नहीं दे रहे घर से बाहर। उसकी जांच करने के लिए कल पुलिस सीसवाली से यहाँ पर आई थी, तो उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया और जो है राजकार्य में बाधा पहुँचाई, जिसका एक संबंधित मुकदमा हुआ। और आज सुबह जो है वो सीसवाली थानाधिकारी यहाँ पर अपनी टीम के साथ नक्शा मौका वगैरह बनाने के लिए और मुलजिमान की तलाश के लिए यहाँ आए, तो उस पर जो है अचानक यहाँ पर घात लगा करके उन्होंने हमला किया और इस परिवार के अंदर से फायरिंग करके एक हमारे कांस्टेबल पोकर राम को जो है जांग पर गोली लगी, जिसका प्राथमिक उपचार कराया। अभी वो घटना जो है उसमें खतरे से बाहर है। और इसमें हमारे यहाँ पर थानाधिकारी सीसवाली, उनकी टीम, फिर उसके साथ ही मांगरोल और अंता से थानाधिकारी आए, उनकी टीम्स भी आई, हमारे एडिशनल एसपी और सीओ अंता भी आए। घेराबंदी करके इन लोगों ने जो है ये जब फायरिंग की, उसके बाद ये यहाँ से भाग छूटे अपने घर की छतों पे चढ़ के खेतों में बाहर जंगलों की तरफ। तो पूरी टीम ने चारों तरफ नाकाबंदी की और घेराबंदी की और बहादुरी से इन्होंने मुकाबला किया और उन लोगों को, चार लोगों को जो है हमने इसमें पकड़ा है और उनसे अवैध हथियार भी बरामद किया है। क्या क्या नाम सर? नाम तो ये अभी बताएंगे आपको। नाम जो है एक विष्णु है, एक भीमराज है, दिनेश है और देवा है। फिर इनके परिवार में अगर और भी कहीं कोई है जो दोषी है तो उसके खिलाफ अनुसंधान करके नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।